नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा और असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी दे रहे मेरे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर। तो ऊना जिला की तमाम यहां पर जो अपडेट्स आपके साथ साझा करते हैं उसी में एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े हैं और इस वक्त भाजपा के जिला कार्यालय से लाइव आपके साथ जुड़े हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। इस वक्त भाजपा कार्यालय के कैंपस के अंदर एक और अहम बैठक यहां पर चल रही है, जो प्रदेश कार्य समिति की तमाम रूपरेखा को लेकर की जा रही है। स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ इस वक्त इस मीटिंग में जुटे हैं और हर चीज को लेकर यहाँ पर जो है वो रूपरेखा तय की जा रही है। क्या कुछ माहौल है, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह से भाजपा कार्यालय प्रदेश कार्य समिति के लिए इस वक्त क्या कुछ यहाँ पर हालात है। फिलहाल तमाम वाहनों की पार्किंग आज बाहर कर दी गई है और पूरे कैंपस को यहां पर खुला रखा गया है। पूर्व सीएम प्रोफेसर धूमल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत तमाम दिग्गज इस वक्त यहां पर ऊना में जुटने वाले हैं। और उससे ठीक पहले आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल हमारे बाएं ओर सतपाल सिंह सत्ती इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तय किया जा रहा है सब कुछ। तो हर चीज़ को लेकर यहाँ पर फाइनलाइजेशन की जा रही है। फिलहाल प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बात करें तो इस बैठक का आगाज आज शाम को प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद होगा। करीब 2:30 बजे प्रोफेसर धूमल यहाँ पहुँचेंगे और 2:30 बजे ही यहाँ पर ऊना में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के पहुँचने का जो कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शाम 4:30 बजे ऊना पहुँचेंगे और फिलहाल ये सभी नेता अपनी उन्हीं जगहों पर यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ जहाँ उन्हें यहाँ पर 3 दिन तक ठहरना है। आपको बता दें कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, सौदान सिंह सभी लोग यहाँ पर 3 दिन तक रुकने वाले हैं और यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यहाँ पर ये भाग लेंगे। आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है कोर ग्रुप की बैठक का। हालांकि इसको लेकर भी थोड़ी बहुत अटकलें यहाँ पर अभी से शुरू हो चुकी कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में देरी हो सकती है, रद्दबदल हो सकती है, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक के जो 2 सत्र यहाँ पर अहम होने वाले हैं 4 और 5 फरवरी को, ये सभी कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही यहाँ पर होंगे। उससे लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ें रूपरेखा सारी तय कर दी गई है और इस वक्त मेरे ठीक यहाँ दाहिनी ओर मैं शिवम से कहूँगा कि वह फिर से दिखाएं, यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर तय किया जा रहा है। सतपाल सिंह सत्ती जो कि यहाँ पर स्थानीय MLA भी हैं, भाजपा के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष 3 बार के रह चुके हैं और ये इस वक्त सारी चीज़ें यहाँ पर जब वो डिस्कस कर रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति में किसे क्या क्या ड्यूटीज़ यहाँ पर गई हैं। और इसी पूरे कार्यालय परिसर के अंदर बने जो यहां पर सभागार हैं उन्हीं में यहां पर कोर ग्रुप की बैठक होगी, उन्हीं में यहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और उसको लेकर तमाम चीजें यहां पर तय की गई हैं। और फिलहाल दिन का समय है तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रबंध यहां पर प्रदेश कार्य समिति के लिए किया गया है और शाम के वक्त आपको ये भाजपा का कार्यालय रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता हुआ भी नजर आएगा। ऊना के प्रदेश भाजपा कार्यालय से आपके साथ हम लाइव इस वक्त जुड़े हैं और तमाम चीज़ें आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक बिलासपुर त्रिलोक जम्वाल, जो कि पिछले 3 से 4 दिन से यहां पर मौजूद हैं, और सतपाल सिंह सत्ती भी यहां पर मौजूद हैं और यही 2 बड़े नेता जो इन तमाम चीज़ों को लेकर हर चीज़ को तय कर रहे हैं, हर व्यवस्था को तय कर रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा और तमाम मंडलों के अध्यक्ष यहाँ के, और इसके साथ साथ प्रदेश भाजपा के कुछ अहम पदाधिकारी जो पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं व्यवस्थाओं के चलते, जिन्हें व्यवस्था में लगाया गया है। तो
तो फिलहाल एक अहम बैठक यहाँ पर सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में चल रही है और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हर रूपरेखा को तय किया जा रहा है, हर व्यवस्था को तय किया जा रहा है कि कौन कहाँ पर जिम्मा संभालेगा। प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति के दो सत्र अहम सत्र होने वाले हैं और इस प्रदेश कार्य समिति का जो एजेंडा यहाँ पर पहले ही बताया गया है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है, उसी के अनुक्रम में प्रदेश कार्य समितियों की बैठकें भाजपा की होती हैं। जो भाजपा का संविधान अभी तक का यहाँ पर शेयर किया गया है उसके मुताबिक यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो नए दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। किस तरह से वर्ष 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव में फाइट करेगी, किस तरह से क्या रूपरेखा रहने वाली है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसी बैठक में यहाँ पर तय होने वाली हैं। और उसी को लेकर हर चीज़ को, हर व्यवस्था को फाइनलाइज यहाँ पर भाजपा कार्यालय में इस वक्त किया जा रहा है। और अभी भी ये जो बैठक आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी देर से ये बैठक यहाँ पर चली है और लंबे क्रम में ये बैठक अभी भी यहाँ पर जारी है। बहरहाल लाइव टाइम्स टीवी से आप जुड़े रहें, तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करते रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य।